हाय दोस्तों, आज हम वालोर पापड़ी या राजमा पापड़ी जो भी बोलते हैं इसको, इसकी सब्ज़ी बना रहे हैं। दो बैंगन, एक आलू व पापड़ी लिए, सब धो के साफ करके, और ये लहसुन अदरक और दो मिर्च और टमाटर धो लिए। ये तेल हमने गरम करने के लिए रख लिया है। ये आलू मैंने काट लिया है और ये पापड़ी हमने निकाल के भी सब बीज निकाल दिए एक तरफ, और ये सब छिलके हम छिलके भी काट के डालेंगे। बैंगन और ये मसाला कूट लिया। तेल गरम हो चुका है, थोड़ी सी राई थोड़ा सा जीरा थोड़ी सी हींग डालेंगे, कटे हुए आलू डाल दें, बैंगन थोड़े पक चुके हैं। ये पके तब तक मैंने ये काट लिया है पापड़ी और बैंगन, इसको हम डाल देंगे अभी। आलू के दाने भी डाल दिए हैं इसमें, थोड़ा भी डालेंगे। अब इसमें कुटा हुआ मसाला डालेंगे, लहसुन अदरक व मिर्च का, और थोड़ा पक चुका है। अभी हल्दी पाउडर थोड़ा, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। अब ये थोड़ा सा गरम मसाला, गिलास के आसपास पानी डाला और इसको अब हम धीमी आंच पे पकने देंगे। अभी हमारी सब्जी पक चुकी है, थोड़ी इसमें अब टमाटर डाल देंगे, इसको मिक्स कर देंगे। एक तरफ रोटी भी पका रहे हैं हम, देखिए दोस्तों हमारी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। देखिए एक तरफ हमने बाजरे का रोटला भी डाल दिया है पकने के लिए, और एक गेहूँ का मोटी टक्कर रोटी,
हमारी सब्जी बन के रेडी हो चुकी है। इसको धनिया से गार्निश करेंगे। गर्मा गर्म ये लीजिए दोस्तों, हमारी गर्मा गर्म देसी थाली तैयार है, बालूर की सब्जी, आलू बालूर और बैंगन की सब्जी के साथ बाजरे का रोटला, दही व पापड़ और प्याज के साथ, मिर्च और प्याज के साथ।